मैंने जो भी किया केवल तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए कुछ जानना अति आवश्यक है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनना होगा अर्जुन, अमरौली पर, संपूर्ण पृथ्वी लोक पर एक बहुत गहरा संकट आने वाला है। वो आ रही अपनी पिशाची सेना के साथ, और उसका नाम है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा ना, तुम यहां क्यों आए? चले जाओ, किसी ने देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। अर्जुन नागलोक गया है महाबलेष्टिका से, और घर में कोई भी नहीं, और मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे लिए या तुम्हारे लिए? हम दोनों के लिए महारानी मस्की। मेरा नाम परी है, यहां चुटकी ने दिया है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तुमने दावा किया था ना कि पृथ्वी लोक पे तुम मेरी मदद करोगे, तो मेरी मदद क्यों मांग रहे हो? पृथ्वी लोक पे मदद करने के मेरा पृथ्वी लोक में रहना जरूरी, और अर्जुन ने नूरी को सब कुछ बता दिया कि मैं और मां कन्या नाग है। नूरी? ये वही लड़की है जिससे अर्जुन प्रेम करता है, और मैं और तुम उससे प्रेम करते। इतनी शक्तिहीन भी नहीं हुई हूं कि तुम्हारा चेहरा ना पढ़ पाऊं, तो तुम्हें भय है कि अर्जुन तुम्हारा राज खोल देगा कि तुम नाग हो, और तुम उसे झूठा साबित करना चाहते हो, है ना? हाँ, क्योंकि जब अर्जुन झूठा साबित होगा तभी पृथ्वी लोक पर रहकर मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। नहीं, मम्मा, मैं परी दीदी को बाहर घुमाने ले जाऊं? हाँ ले जाना, लेकिन मेरी हेल्प करना। क्यों? ये साड़ी मुझे ऑनलाइन खरीदनी है, तो क्या करूँ मैं इसके बाद? ओ मम्मी, बहुत क्योंकि तुम खुद को बचाना चाहते हो। अर्जुन भैया आए क्या? नहीं, अर्जुन भैया तो बाहर गए थे। हाँ, मैं बचाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नागमणि हासिल करनी है। मैं एक मिनट आती हूँ। इसे पहनने के बाद 12 घंटे तक इसका प्रभाव रहेगा, कोई साबित नहीं कर पाएगा कि तुम एक नाग हो। तुम बिल्कुल मेरी तरह मानव बन जाओगे बिना किसी शक्ति के। अर्जुन नूरी के सामने ये सिद्ध नहीं कर पाएगा कि मैं नाग हूं। कैसे पता चलेगा? मुझे तो मेरा नाम भी याद नहीं है, मैं अपने लोगों को कैसे ढूंढ लूंगी? इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। हमने पुलिस में इत्तला कर दी है, जैसे ही तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा ना, तो देखना वो लोग यहाँ आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब
मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। अब आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, मुझे तो मेरा नाम भी याद नहीं है। धन्यवाद। मम्मी। हाँ। आप मुझे वहां फंसा के या खुद दीदी को प्यार कर रहे हो? मैं ले जा रही हूँ दीदी को बाहर घुमाने। चलिए मेरी दीदी। कहाँ ले जा रही है घुमाने? वही नदी के पास चले, वहाँ शायद से आपको कुछ याद आ जाए। मैंने एक फिल्म में भी ऐसे ही देखा है। अरे ऐसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे कैसे लेके जाएगी तू? मैं जाती हूँ, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर अच्छा ठीक है, जाओ चल जाओ ध्यान से। हाँ चल चल चल। बेचारी उसे तो कुछ याद भी नहीं कि कौन है वो। दीदी हुँ? आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ याद आया क्या? नहीं कुछ याद नहीं आ रहा। कोई है जो मुझ पर नजर रख रहा है, कौन है वो? क्या हुआ भाई दीदी, अब ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अब हम बैठे। पत्थर पे क्या? हाँ क्या करूं? चुटकी तुम डरो मत, ठीक है? जब मैं कहूं तब तेजी से भागना। चलो बेटा। कितनी बार कहा ऐसे बाहर मत निकला करो। उसकी गलती नहीं है, वो मैं। तुम्हें किसी से रीले सामने काटा? वो मैं चुटकी की जान बचा रही थी। सॉरी मेरी दीदी। जहर निकाल दिया, तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाओगे। अर्जुन भैया परी दीदी को उठा के ले चले घर चले। I'm sorry, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। आखिर तुम्हारा भरोसा जीतने की मेरी पहली चाल कामयाब हो ही गई अर्जुन। क्षमा चाहता हूं